गाइस फाइनल सेटअप आप लोगों ने देख लिया। अब मेन बात आती है कि आपको ये सेटअप जो है करना किस तरीके से है। तो सबसे पहले तो मैं करना सिंपल स्टेप यही है कि अपनी डिवाइस की जो होम स्क्रीन आती है वहां से सारे एप्लीकेशन क्लियर कर देना है, मतलब इस टाइप से हटा के तो इनको रिमूव कर देना है। तो सबसे पहले तो अपना ये ओपन करने के बाद यहाँ से तीन थीम डाउनलोड कर लेनी है जिनका नाम मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ। फर्स्ट थीम जो रहेगी ये है यहाँ पे कंसेप्ट 1M करके, जो तुम यहाँ पे यूजर नेम देख सकते हो, ठीक है। और इसको जो तुम्हें अप्लाई किस तरीके से करना है, यहाँ पर तुम्हें जस्ट इसका सिस्टम अप्लाई करना है। देखो इसको डायरेक्टली हम यहाँ पे इन सब टिक्स को हटा देना है यहाँ से, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन, तो ओनली सिस्टम पर टिक करके अप्लाई कर देना है। तो एक बात और है कि जब तुम इस सेटअप को रेडी करो अपने डिवाइस पे, तो उससे पहले अपना डिवाइस को एक बार रिबूट कर लेना ताकि तुम्हारा सिस्टम जो है ना रेडी हो जाए किसी भी तरह की थीम को अपडेट करने के लिए। तो हमारा जो यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल था वो एकदम से रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं हमारी दूसरी थीम की तरफ, ठीक है। तो जो नेक्स्ट थीम है हमारी यहाँ पर रहने वाली लक्स रेड करके, ठीक है ना। यहाँ पे तुम इसका नाम देख सकते हो, इसका जो नाम है लक्स रेड करके, और इस पर तुम्हें सिस्टम हटा के ओनली जो आइकन पैक रहेगा इस पर मतलब अप्लाई कर लेना है। और जैसे ही तुम इसको अप्लाई करोगे, बाकी तुम होम स्क्रीन पर जाओगे, तुम्हारा जो मतलब आइकन पैक रहेंगे वो एकदम रेड एंड ब्लैक वाली शेप पर आ चुके हैं। तो ये स्ट्रेंजर थिंग्स का सेटअप पर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वैसे तुम चाहो तो लास्ट में भी कर सकते हो, अगर नहीं भी आया तो भी कर लेना, और नहीं पसंद आया तो भी छोड़ सकते हो। तो जो थर्ड थीम है हमारी रहने वाली यहाँ पर कार्ड्स जीयू करके, इसका जो नाम है तुम देख सकते हो यहाँ पर, जो स्पेशली इसका लॉक स्क्रीन है। वैसे एक रिकमेंडेशन आया था वीडियो में, लेकिन मैं ये वाला सेपरेट नहीं करूँगा यहाँ पर। जो मुझे पर्सनली लग रहा है वो यहाँ पर ये वाला है, देखो रेड सन करके जो यहाँ पर नाम है, ठीक है। ये जो एप्लीकेशन है तुम इसका यहाँ पर नाम देख सकते हो रेड सन, और ये थीम तुम्हें डाउनलोड कर लेनी है। इन सभी चीज़ों का लिंक जो मैं तुम बता रहा हूँ यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और तुम्हें इन पर क्लिक करके इसको लॉक स्क्रीन पर सिर्फ टच करके इसको अप्लाई कर लेना है। तो जैसे तुम यहाँ पर करोगे, ये तुम्हारी तीन थीम थी जो कि तुम्हारा तीनों काम से डन हो चुका है। अब इतना करने के बाद तुम्हें करना यह है कि एक वॉलपेपर सेट करना है। ये जो वॉलपेपर है मैंने खुद क्रिएट किए हैं, तुम्हें गूगल से नहीं मिलने वाला है, किसी एप्लीकेशन से। तुम्हें इनका लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहीं से तुम इनको डाउनलोड कर पाओ। तो गाइस फाइनली यहाँ पर देखो जो वॉलपेपर है हमारा, वॉलपेपर कुछ इस टाइप से तुम्हें अपनी होम स्क्रीन पर सेटअप कर लेना है। और जैसे ही तुम इसको होम स्क्रीन पर सेटअप कर लोगे तो तुम्हारा आधे से ज़्यादा काम यहीं पर फिनिश होने वाला है। देखो अब तुम्हें यहाँ पर जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद ओके मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ प्ले स्टोर। ओके प्ले स्टोर पर जाने के बाद तुम्हें तीन और एप्लीकेशन करनी है यहाँ पर। GT कस्टम पैक रहता है जो कि देखो ये रहा यहाँ पर KW कस्टम विजिट मेकर, ये फर्स्ट एप्लीकेशन है। उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है यहाँ पर रहेगी OCIA, ठीक है, OCIA फॉर KWGT। इनका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की है ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है उसका नाम है HUZ, ठीक है, HUZ और फॉर KWGT। तो अभी तीन एप्लीकेशन है, इससे ज़्यादा कोई एप्लीकेशन नहीं है। ये बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन है, तो इससे आपके डिवाइस पे कुछ ज़्यादा मतलब लोड नहीं पड़ने वाला है। तो अब तुम्हें करना क्या है कि वापस अपने होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आके आपको होल्ड करके रखना है, यहाँ पर तुम देख सकते हो कि नीचे बटन आता है विजेट्स का, तुम यहाँ पर क्लिक करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा और स्क्रॉल करते जाना है, स्क्रॉल करते जाना है। जैसे यहाँ पर तुम देखोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा यहाँ पर इस टाइप के कस्टम विजिट मेकर, तो तुम्हें यहाँ पर फोकस करके दिखाता हूँ अच्छे से। तो तुम्हें यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेना है, देखो 4x2 का जो इसके अंदर ये साइज रहेगा ये सिलेक्ट कर लेना है तुम्हें यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर आ जाता है, मैं इसको अपने हिसाब से जो थोड़ा इसका साइज छोटा कर लेता हूँ जिस टाइप से मुझे अपना लगाना है ये, तो इसको इस टाइप से मैं यहाँ पर इतना कर लेता हूँ और इसको ऊपर तक रख देते हैं यहाँ तक, ठीक है, ये इतना परफेक्ट रहने वाला है। तो तुम्हें अब क्या करना है कि इसको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अगर एप्लीकेशन ओपन नहीं होती है तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ से डायरेक्टली इस एप्लीकेशन को एक बार ओपन कर लेना है, KWGT जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डाउनलोड की थी। तो जैसे ही तुम इसके ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर विजिट के, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा कि यहाँ पर जैसे तुम इसके ऊपर आओगे एक्सप्लोर पर बटन पर क्लिक करना, तो फर्स्ट इंटरफेस यही आएगा। यहाँ पर देखो जो तुम्हें दिखाई देगा यहाँ पर इंस्टॉल्ड पैक ऑलरेडी, जो तुमने अभी अभी इंस्टॉल किया अपने पे। तो सबसे पहले तुम चल रहा है OCIA के अंदर, ठीक है। OCIA में जैसे तुम जाओगे तो तुम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे तक स्क्रॉल करोगे, तुम्हें ये वाला वीडियो देखने को मिलेगा जिसका नाम यहाँ पे देख सकती हो पोकेमॉन 61 है। तुम इस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का एडिटर आएगा, तुम्हें यहाँ पर लेयर वाला बटन दिख रहा है। इतने सारे बटन देख के घबराना मत, बहुत ही सिंपल है जिस टाइप से बता रहा हूँ वैसे देख लेना। तो तुम्हें क्या करना है, इसका साइज थोड़ा बड़ा रख लेना, जितना भी तुम इसका साइज बड़ा रखोगे उतना अच्छा है होम स्क्रीन लुक तुम्हारा रहने वाला है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर इस पर आइटम पर जाना है, आइटम पर जाके जितने यहाँ पर देख सकते हो इस पर क्लिक करना है, और जो तुम्हारा ये रहेगा यहाँ पर सेव रहेगी, और इस पर पेंट पर जाना है, पेंट पर जाके जो तुम्हें इसका कलर करना है वो रेड करके यहाँ पर सेव कर देना है, और इसको यहाँ पर ऊपर से कॉर्नर से क्लिक करके सेव बटन पर क्लिक कर देना है, और ये तुम्हारा फाइनल सेटअप इस तरीके से कुछ आ जाएगा निखर के यहाँ पर। और ये जो है यहाँ पर ये वाला मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब जो दूसरा वर्क करना है तुम्हें यहाँ पर वापस इसको होल्ड एंड करके रखना है, मतलब प्रेस एंड होल्ड,
और नीचे चलने के बाद तुम्हें एक और यहाँ पर सेलेक्ट करना है। देखो वन बाय वन का उठाना है यहाँ पे तुम्हें कस्टम विजिट मेकर। देखो जो सबसे फर्स्ट वन है मैं यहाँ पर ये उठा लेता हूँ वन बाय वन का, और जो मैं इसको थोड़ा सा अपनी साइज से कस्टमाइज कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो कुछ इस टाइप से रहने वाला है ये, ठीक है। तो अब तुम्हें वापस करना है कि इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो हमने सेकेंड एप्लीकेशन डाउनलोड किया था HUZKWGT, इसमें तुम्हें और स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करते ही तुम्हें मिलेगा, तुम इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे गाइस तुम्हें यहाँ मिलेगा फ्री 085/11 करके ये वाली जो क्लॉक रहेगी। तुम्हें इसका भी सेम साइज वैसे ही लेयर्स में जाना है और इसका जो साइज है वो इंक्रीज कर लेना है। और वापस से तुम्हें इसकी कलर की बात करते हैं, वापस से आइटम पे जाना है। आइटम में जाने के बाद यहाँ पे जाना है, देखो तुम्हें यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा, एक मिनट को बैक करना है यहाँ पे, मैंने थोड़ा ब्लैक क्लिक, यहाँ पे ओवरले ग्रुप रहेगा, यहाँ पे 10 जो है टाइमिंग है, अभी 10:50 हो चुके हैं। देखो यहाँ पे मैं 10 वाले पे क्लिक करता हूँ, इसको जो पेंट है यहाँ पे तुम्हें व्हाइट से इसको वापस से रेड कर देना है, मतलब जो कि तुम्हारे होम स्क्रीन को एक अलग लुक देगा भाई यहाँ पे, देखो ठीक है। तो जैसे तुम इसको सेव कर दोगे वापस से तुम्हारा फाइनल सेटअप हो चुका है, होम स्क्रीन तकरीबन रेडी हो चुकी है। जो मेन चीज़ है वो तुम अब देख सकते हो यहाँ पर, तुम्हारा फुली तरीके से सेटअप हो चुका है। कुछ जो तुम्हारे एप्लीकेशन रहेंगे उनके आइकन पैक नहीं आते, जैसे कि कोई थर्ड पार्टी जैसे GB मोड रहेगा या फिर व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, तो उनके आइकन पैक तुम्हें इस थीम के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अब जो मेन चीज़ रहती है तुम्हारा ये जो है ये जो निखर के आता है तुम्हारा लॉक स्क्रीन पैटर्न। अब लॉक स्क्रीन पर बहुत सारे बंदे देखते हैं कि भाई लॉक स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर तुम्हें कोई भी अपना थर्ड पार्टी वॉलपेपर तुम नहीं सेट कर सकते हो। अगर तुम्हें इसके ऊपर अलग से कोई सेपरेट वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है तुम्हारे लिए। बाकी मैंने एक और चैनल दिया गया है, इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम लोग जाके उसको भी विजिट कर सकते हो। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, नहीं आए तो मत करो। और अभी के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।